अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसकी और राजकुमार पोरस की प्रसिद्ध लड़ाई के बारे में भी आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि अलेक्जेंडर नाम के राजा का अस्तित्व सच में था या वो सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है? आज तक तो कोई भी ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है जो ये साबित कर दे कि अलेक्जेंडर नाम का राजा सच में था। अलेक्जेंडर के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों की वजह से, जो उसकी मौत के 300-400 सालों के बाद तीन इतिहासकार स्ट्रैबो, एरियन और प्लूटार्क द्वारा लिखे गए थे। लेकिन आज कोई भी अलेक्जेंडर को काल्पनिक पात्र नहीं कहता, बल्कि उसे ऐतिहासिक पात्र ही माना जाता है। मैं उसके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अलेक्जेंडर नाम का राजा सच में था, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम पश्चिमी इतिहासकारों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन बात जब हमारे देश की आती है, हमारे इतिहास की आती है, तो शुरुआत होती है धर्म से, मजहब से, और फिर कई सवाल उठाए जाते हैं। हजारों चरित्रों से भरी महाभारत को भी लोग काल्पनिक मानते हैं, लेकिन आज हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि महाभारत कोई कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे भारत देश का इतिहास है। महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भी तर्क लगाने से पहले इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। महाभारत में राजा मनु के वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। महाभारत कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में ही लिखते। अगर इस कहानी में सिर्फ कुछ 5 या 10 किरदार होते तो इस पर शक होना स्वाभाविक था, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में सैकड़ों किरदार है, सैकड़ों घटनाएं हैं जिनके सबूत कई जगहों पर मिले हैं। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, और भरत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इनके वंशज थे। भारत देश का होना ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था। हजारों साल तक लोग द्वारका को एक काल्पनिक नगर मानते थे, जबकि महाभारत के ही अनुसार एक विशाल बाढ़ में द्वारका डूब गया था। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भारतीय खोजकर्ताओं ने 1980 के दौरान समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। और ये सिर्फ द्वारका की बात नहीं है, महाभारत में ऐसे 35 जगह अंकित है जिन्हें शोधकर्ताओं ने काफी मेहनत के बाद खोज निकाला। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी मौजूद है जहां ये युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हुआ था, और इस मिट्टी का ये लाल रंग हम आज भी देख सकते हैं। महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा है जो आज भी हमारे बीच है। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण भी मिले हैं। भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। तो श्री कृष्ण की द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। ऐसा ही एक सबूत मिलता है नागालैंड के एक शहर दीमापुर में, जिसको कभी हिडिम्बापुर के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह महाभारत काल में हिडिम्बा राक्षस और उसकी बहन हिडिम्बा रहा करते थे। ये वही जगह है जहाँ पर हिडिम्बा ने भीम से विवाह किया था। यहाँ के स्थानिक लोग खुद को भीम की पत्नी हिडिम्बा का वंशज मानते हैं। यहाँ आज भी हिडिम्बा का वाड़ा देखा जा सकता है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाला एक और सबूत यहाँ देखने को मिलता है, वो है यहाँ पर पाए जाने वाले शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियाँ, जिनसे भीम और उसका पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। इस जगह पर पांडवों ने अपने वनवास का काफी समय व्यतीत किया था। मनाली में ही हिडिम्बा और भीमपुत्र घटोत्कच का एक मंदिर बना हुआ है। महाभारत को सच साबित करने वाला एक और प्रमाण हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मौजूद है, जहां पांडवों ने पत्थर का चक्रव्यूह बनाकर उसे भेदने का अभ्यास किया था। चक्रव्यूह भेदने का तरीका सिर्फ अर्जुन जानता था, इसीलिए अगर युद्ध में गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की चुनौती दी
तो सभी भाइयों को चक्रव्यूह भेदने का तरीका पता होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन यहाँ चक्रव्यूह भेदने का अभ्यास करवाता था। महाभारत काल में युद्ध नीति का खास हथियार माना जाता था चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह में 7 घेरे होते थे, ठीक वैसे ही 7 घेरे इस पत्थर पर हम देख सकते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें दुर्योधन और शकुनी पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह यानी तेजी से जलने वाले महल का निर्माण करते हैं और वहां पांडवों को भेज देते हैं, लेकिन पांडव लाक्षागृह को खुद ही आग लगाकर एक सुरंग की मदद से वहां से बचकर निकल जाते हैं। महाभारत में जिस लाक्षागृह का जिक्र है वो उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा गाँव में मौजूद है। इस गाँव को महाभारत के समय में वारनावत कहा जाता था। ये जगह मेरठ के हस्तिनापुर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है और अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। महाभारत युद्ध में संहारक क्षमता वाले शस्त्रों का और विमानों का उल्लेख मिलता है जिनके अस्तित्व के कई सबूत भी मिले हैं। इस विषय पर हमने एक अलग एपिसोड बनाया है जिसे आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। हम मौर्य, गुप्त और ऐसी अन्य प्राचीन वंशों को इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि वह यूनानी इतिहास के समकालीन थी। क्या यूनानियों से पहले हमारा कोई इतिहास नहीं था? क्या हमें अपने इतिहास पे सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि आधी दुनिया उस वक्त पढ़ना या लिखना नहीं जानती थी? 300 साल पहले हमें महाभारत और रामायण में यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर पिछले कुछ वर्षों में विषैली विचारधारा वाले लोगों ने हमें अपनी ही इतिहास की सार्थकता पर प्रश्न उठाने को विवश कर दिया है। मैं नहीं जानता कि आपको यकीन हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि महाभारत किसी की सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती, बल्कि ये कुछ ऐतिहासिक अविश्वसनीय कथाओं का एक अविस्मरणीय चित्रण है। अब इसका फैसला आपको करना है कि महाभारत को आप काल्पनिक कथा कहोगे या इतिहास। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिससे भी आज हम इतिहास कहते हैं शायद भविष्य में वो काल्पनिक कथा कहलाएगी, और जिसे हम आज काल्पनिक कथा कहते हैं वो किसी जमाने में इतिहास था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और सोशल मीडिया पर शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।